मेरा नाम सतीश कुमार है और मीडिया निर्वर्कर का काम करता हूँ और यूनियन का प्रधान हूँ। और जो है सरकार हमारा ये जो शोषण कर रही है इसको हम नहीं चाहते हैं, और हमारी जो भी मानदेय समय पर नहीं मिलता है और टीचर भी हमें सही तरीके से गाइड नहीं करते हैं, और जो भी हमारा ये जो मिल रहा है इसमें हर वर्ष कटौती हो रही है। और बाकी हमने छुट्टियाँ हमारे को नहीं मिलती है, जब हमने हम चाहे बीमार हो चाहे कुछ भी हो तब भी टीचर हमें छुट्टियाँ नहीं देते हैं, और हम चाहते हैं कि हमें छुट्टियों का प्रावधान होना चाहिए, छुट्टियाँ मिलनी चाहिए, ताकि और सब स्कूलों में दो दो वर्कर होने चाहिए। ये जो छंटनी है 25 बच्चियों की शर्त है ये बंद होनी चाहिए, इसमें दो वर्कर ही होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बीमार पड़ जाता है तो फिर हमें दूसरे को ऐसे दिहाड़ी पर भेजना पड़ता है, तो दिहाड़ी आजकल आप सबको पता ही है कि क्या दिहाड़ी चाहिए, और हमें तो 100 रुपये दिहाड़ी पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि बच्चों को छुट्टियाँ भी होनी चाहिए और छुट्टी भी मिलनी चाहिए। मैं गुरदास वर्मा, सिटू जिला उपाध्यक्ष और मिड डे मील वर्कर यूनियन का जिला प्रभारी। आज जो ये धरना प्रदर्शन पूरे देश के अंदर जो स्कीम वर्कर जिस देश के अंदर है उनकी फेडरेशन के आह्वान पे किया जा रहा है, क्योंकि ये जो केंद्रीय स्कीमें हैं और लगातार केंद्र सरकार जो है इन स्कीमों के अंदर, वो चाहे आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे आशा वर्कर है, चाहे मिड डे मील वर्कर जो है, इनके बजट में पिछले 8-9 साल से लगातार कटौती कर रही है, जबकि ये जो योजना है इस देश के अंदर जो कुपोषित महिलाएं हैं उनके उत्थान के लिए, और जो बच्चे हैं स्कूलों के अंदर जो गरीब घरों से जो सरकारी स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए जो खाना बनता है उनके उस बजट के अंदर लगातार कटौती कर रहे हैं, जिससे जो है उनके जो उत्थान होना चाहिए था उस पर जो है भारी दिक्कतें आ रही है। और ये जो वर्कर है इस महंगाई के ज़माने में इनको जो मानदेय मिलना चाहिए था वो भी सही समय पर नहीं मिलता है, और पूरा इस महंगाई के ज़माने में परिवार पालने तक का नहीं मिलता है। और ये जो केंद्र की सरकार है पिछले 10 साल से 1 रुपये की भी इनके बजट में, मिड डे मील वर्कर के बजट में 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की है। इसलिए आज पूरे देश के अंदर जो हमारा सांसद है, जो MP है हमारे पूरे देश के अंदर, उनके कार्यालय के बाहर ये घेराव करने का एक आह्वान किया है, ताकि वो अभी जो बजट सत्र दिल्ली के अंदर चलेगा वहाँ पे हमारे जो MP है वहाँ जाके इनकी मांगों के, और जो मांग पत्र हम दे रहे हैं MP के माध्यम से, वो वहाँ पे इन मांगों को उठाए और इनके बजट के अंदर बढ़ोतरी करे, नहीं तो आने वाले समय के अंदर हमने अप्रैल के अंदर दिल्ली संसद मार्च करने का भी हमने निर्णय लिया है, जो 5 अप्रैल को दिल्ली के अंदर हम घेराव करेंगे।